बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं, जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए, और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ाओ, उतने दिन तो समर्पित कर। समय आया, देवराज के बाद में कथा आती है, बिंदुग नाम का ब्राह्मण, इसने भी गलत कर्म करा और दीवार से कूद गया, पानी में जाकर डूब गया। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं होती कभी भी। सुन लो अशोक नगर वालों, ध्यान से, मरने का भी प्लान बनाओ तो पानी में डूब के कभी मत मरना। किसी किसी को मन में आता है कि मैं सुसाइड करूं, तो निवेदन है कि थोड़ा चेंज करो, ओल्ड फैशन है कुएं में डूब के मरना, पानी में डूब के मरना, कुछ न्यू फैशन लेकर, हमें नहीं मरना पानी में डूब कर। न्यू फैशन कैसा, बस अब तो जैसी जिंदगी मिली है इसी को निभाऊंगी, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करूंगी और उसका भजन करते करते मर जाऊंगी, पर पानी में डूब के नहीं। क्यों मरना पानी में डूब के? बिंदु पानी में डूबकर मर गया तो प्रेतियों में पड़ गया। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करने का मन में विचार करा, भगवान देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे शंभु करुणा करिए। तब देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ ईसर जी और गोरा जी बनकर पहुंच कर शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन किया। जो कथा के यजमान होते हैं ये ईसर जी और गोरा जी, शंकर और पार्वती के रूप में होते हैं। ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें ईसर जी गोरा जी का। बड़े आनंद के साथ तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप स्मरण रहे अपने पूर्वजों के नाम से सुने। जो टीवी के सामने या मोबाइल पर सुन रहे हैं, दो दाने हाथ में चावल के लेकर या एक बेलपत्री लेकर कथा श्रवण करें। वो चावल का दाना अपने पूर्वजों के या तो फोटो हो तो उनके सामने चढ़ा दें या छत के ऊपर डाल दें चिड़िया पक्षी के लिए। बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करते जाएं, प्रतिदिन एक बेलपत्री, या प्रतिदिन नहीं कर सकते तो एक बेलपत्री को 7 दिन या चावल का दाना 2 रखकर ये तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुनो, जिससे जीव की गति हो और उसका मोक्ष हो। ईसर जी गोरा जी पधारे हैं, बड़े आनंद के साथ यजमान परिवार पूजन कर रहे हैं। श्री महेंद्र सिंह जी यादव चेयरमैन माँ जानकी करीला धाम ट्रस्ट, माननीय श्री डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी यादव सांसद गुना शिवपुरी अशोक नगर सांसद जी क्षेत्र, श्री अजय पाल सिंह जी यादव, आप भी यजमान परिवार खूब आनंद से ईसर जी गोरा जी का पूजन कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम।
कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाइए, भाव भक्ति के साथ कथा रस तत्व को श्रवण कर अपने जीवन को आनंद पाइए।